हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा बाली में सबसे अच्छी घूमने की जगह कौन कौन सी है। तो चलिए लेट्स ट्रैवल। सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो आप हमारी चैनल पर देख सके। बाली जाने के लिए आपको इंडिया से दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता से फ्लाइट मिल जाएगी। बाली की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी। इंडिया से पहले कुआलालंपुर मलेशिया में आपका लेओवर होगा, फिर आप बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देनपासर में पहुंचेंगे। उसके बाद आप चाहे तो देनपासर में भी रुक सकते हैं, या फिर आप कुटा, उबुद, नुसा दुआ जैसे प्रमुख शहरों में भी जा सकते हैं। बाली में काफ़ी चीप रेट्स में आपको होटल्स मिल जाएंगी, या फिर बाली में काफ़ी सारे लग्जरी विलास और रिसोर्ट भी मिल जाएंगे। बाली में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है, आप बाइक और कार रेंट पर ले सकते हो। बाइक और कार अच्छे दाम में आपको रेंट पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बाली में खाना खाने के लिए आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगी, या फिर आप वहाँ की कोई लोकल डिश भी ट्राई कर सकते हो। और घूमने के दौरान फ्रूट्स तो सभी जगहों पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बाली में घूमने और देखने की सबसे अच्छी जगह कौन कौन सी है। बाली में हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए काफ़ी मंदिर है। उनमें से उलुवाटू मंदिर, तानाहलोट मंदिर, तीर्थ एम्पोल मंदिर, बिसाखी मंदिर, उलुन दानु मंदिर, तमन सरस्वती मंदिर, प्रम्बानन मंदिर, ये सभी बाली के प्रमुख मंदिर हैं। फिर बाली में देखने लायक तेगालालंग राइस टेरेस सबसे अच्छी जगह है, और वहाँ आप बाली स्विंग का भी मज़ा ले सकते हैं। फिर आप उबुद सिटी में उबुद आर्ट मार्केट में जा सकते हैं। फिर देनपासर में आप तेचिंगनन वाटरफॉल देख सकते हैं, और आप सनराइज के लिए माउंट बतूर भी जा सकते हो। और बाली में बाली सफारी एंड मरीन पार्क, बाली के स्पा और नाइट क्लब भी बहुत फेमस है। अब आते हैं बीच पर। बीच का मज़ा लेने के लिए आप कुटा बीच, सेमिनियाक बीच, सानूर बीच, तुलंबन बीच, पेडांग बे बीच, क्रिस्टल बे बीच और नुसा बीच जा सकते हैं। नुसा बीच तीन आइलैंड का समूह है। उसमें नुसा लेम्बोंगन, नुसा पेनिडा और नुसा सेनिनगन, जहाँ आप फेरी राइड के थ्रू जा सकते हो। बाली घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल, मई, जून और सितंबर है, क्योंकि ये वो समय है जब यहाँ भीड़ कम होती है। वही इसके साथ जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान उच्च मौसम होता है और भीड़ ज़्यादा होती है, और क्रिसमस, न्यू ईयर की छुट्टी की वजह से दिसंबर और जनवरी में भी काफ़ी भीड़ होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये बाली टूर की इन्फॉर्मेशन? यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।